हाँ दोस्तों, मेरा नाम जय प्रकाश गोस्वामी। हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आ गए हैं एक बहुत ही खास वीडियो के साथ में। जैसे कि दोस्तों आप भी एक चीज सोचते होंगे कि हम नया बिजनेस कोई भी कैसे चालू करें, या छोटा हो बिजनेस, या बड़ा हो, या एक मीडियम कैटेगरी का हो, आप अपना बिजनेस कैसे आप चालू कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आपके दिमाग में बहुत से सवाल उठते होंगे कि हम कोई भी सामान है तो उसे कहां से लाएंगे, हम अपने सामान को, जो प्रोडक्ट हमारा है, उसे हम बेचेंगे कहां पर और कैसे बेचेंगे। दोस्तों आज हम उसी पर आपसे बहुत ही अच्छी तरीका से बात करने वाले हैं। दोस्तों तो आपको जैसे ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, जैसे कि आप लोग को स्किप नहीं करना है। दोस्तों जैसे आप भी अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि जो बिजनेसमैन है वो बहुत ही अच्छी तरीका से बहुत ही पैसा कमा रहा है, तो आपको दोस्तों आपको स्किप, जैसे कि दोस्तों ये गलती नहीं करना है। आपको भी बिजनेस में लगाना है दोस्तों, बिजनेस करना चाहते हो दोस्तों तो आपको जरूर करना है दोस्तों। दोस्तों नौकरी के चांस आजकल देखा जाए तो कितनी बड़ी मुश्किल हो रही है दोस्तों। आज के जैसे सरकारी नौकरी देख लिया जाए तो बहुत ही कम लोग पाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी आज के डेट में दोस्तों जैसे कि बहुत ही बढ़ रही है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैं मेन मुद्दा पे आ रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस जो है उसे कैसे चालू कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका से। जैसे कि दोस्तों आपको जब सबसे पहले पूंजी की जरूरत होती है, जो लागत होता है दोस्तों, जो आपका जो जैसे कोई भी काम शुरू करने से पहले जो लागत लगाई जाती है, जो पूंजी लगाया जाता है, या जो रुपया आप लगाते हो, जो प्रोडक्ट लेकर आते हो दोस्तों, उसको एक मीडियम जो ज्यादा से ज्यादा आप लगाने की कोशिश करते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको एक उचित मूल्य लगाना है कि हमारे भविष्य में आने भविष्य के लिए भी आपको कुछ पैसा बटोर कर रखना है कि कोई भी बाई चांस दुर्घटना हो जाता है तो आपको इमरजेंसी में वो पैसा काम भी आ जाए। आपको जैसे कि दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि आपको एक उचित मूल्य अपने बिजनेस में लगाना है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बाय चांस कोई दिक्कत हो जाए तो आपको उसमें घाटा ना हो दोस्तों तो आप भी ऐसे इसी तरह से बिजनेस करना। अब जैसे कि दोस्तों बिजनेस करें कैसे तो दोस्तों जैसे कि बिजनेस में आप प्रोडक्ट कहां से लाओगे, तो प्रोडक्ट को आपको दिक्कत लेना नहीं है। आपसे जो बड़े होनर होते हैं दोस्तों वो आपको प्रोडक्ट मुहैया समय समय पर करवाते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों सिर्फ आपको एक फोन करना है कि फोन करते ही कुछ ही घंटे में, कुछ ही दिन में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई भी दोस्तों हो। दोस्तों जितना आपको दिक्कत है, जितना आप सोचते हो कि हमारे पास प्रोडक्ट आए, उतना ही उनको भी दिक्कत या परेशान होते हैं जो वहां पे जो आपका मालिक बैठा हुआ है, जैसे होनर जो बड़ा होलसेल में डील करता है दोस्तों, वो उसको भी उतना ही दिक्कत होता है जितना दिक्कत आपको आज हो रही है कि हमारा भी प्रोडक्ट बिके दोस्तों। तो वो जैसे कि दोस्तों समय समय पर आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में आप सोचते होंगे कि कई चीजें जो आती जाती रहती है, हम सामान को बेचे कैसे, तो आपको दोस्तों उचित मूल्य पर कोई भी प्रोडक्ट है उसे उचित मूल्य पर ही बेचना है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि कोई भी 10 रुपए का है तो आपको 12-13 रुपए में, 15 रुपए में बेचना है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, ओवर पैसा आपको किसी से नहीं लेना है दोस्तों आप कहीं बाई चांस ओवर पैसा ले भी लेते हो तो वो दोबारा ग्राहक आपके पास आएगा ही नहीं। तो आपको दोस्तों जैसे कि ये गलती कभी भी अपने लाइफ जीवन में नहीं करनी है कि ओवर पैसा किसी भी ग्राहक से नहीं लेना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो दोस्तों, कोई भी, चाहे पागल भी ना हो, आपको एक प्रकार से उचित मूल्य लेना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो ग्राहक की पर्सनालिटी होती है, जो ग्राहक आता है दोस्तों, आपकी जो क्वालिटी पर्सनालिटी है, वो बोलने चालने और हंसने की ये एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, कि जो वो एक बार आपके ग्राहक जो है वो एक बार आपकी दुकान पे आता है तो उसको अच्छी तरीका से, बहुत ही अच्छी तरीका से समझा दो, वो जान जाए और आपकी दुकान पे दोबारा भी आए दोस्तों। तो आपको ये सब कुछ ही जैसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों कि आप भी अपने बिजनेस में इस टॉपिक को रखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद में आपको पर डे
पर डे आपको दुकान खोलना है कि कोई भी चीज है तो उसे पर डे जब आप खोलोगे तो ग्राहक आपका वापस नहीं होगा तो आपकी जैसे कि बिक्री बढ़ेगी। दोस्तों अब आज खोले परसों ने कल नहीं खोले परसों खोल दे दो दिन खोले तीन दिन बंद रखा तो इससे जैसे कि दोस्तों ग्राहक कटने लगते हैं और ग्राहक कटने लगेंगे तो आपकी जो बिक्री है वो कम होने लगेगी। जैसे कि दोस्तों आप लोग भी जान चुके होंगे जो हम अपना बिजनेस जो है उसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों तो हमें विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।